हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल जे के मंटोर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के बोस और जे के एस क्लास एटथ सोशल साइंस न्यू मॉडल टेस्ट पेपर ये जे के बोस ने नया मॉडल टेस्ट पेपर अपडेट किया है इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से और एंड तक देखना इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर आएगा कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से और एंड तक देखना और अगर आपको आ, देख ये वीडियो देखना है कि किस में किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में होगा तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है आप चैनल जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से उस लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं पहले अगर हम देखें जो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का इसमें जो है ये फिफ्टी मार्क्स का आएगा और उसमें कितना टाइम होगा ढाई घंटे होंगे टू तो आवर्स थर्टी मिनट्स होंगे पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें चार सेक्शन होंगे ए बी सी एंड डी और टोटल आपके ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे, दे के रखी है उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स आएंगे और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में होगा इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखना तो वो कमेंट सेक्शन में है और जो आपका क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर टेन तक सेक्शन uh, ए में क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम और चूज़ द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे मिक्सड और ईच क्वेश्चन में एक मार्क्स होगा तो ये दस मार्क्स बनते हैं फिर जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर अलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवनटीन तक कोश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन में दो मार्क्स होंगे और आपको उनमें सिर्फ ट्वेंटी वर्ड्स तक के आंसर लिखने होंगे फिर सेक्शन सी में जो कि क्वेश्चन नंबर एटीन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तक कोश्चन्ज हैं वो क्वेश्चनज़ उन कोश्चन में तीन मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन में और उन कोश्चन में आपको फोर्टी से फिफ्टी वर्ड्स तक के आंसर्स लिखने होंगे तो ये पैटर्न है पेपर का ये जो आप ये अच्छे से आपको देख है ताकि आपको आ, फिर फिर एग्जाम में आसानी हो फिर जो सेक्शन डी है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आएगा और उस क्वेश्चन में पांच मार्क्स होंगे और फिर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्वेंटी थ्री जो है सेक्शन डी का वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसमें दो पार्ट्स होंगे और ईच पार्ट में दो मार्क्स होंगे तो मैप बेस्ड आपको चार मार्क्स आएंगे फिर फिर अब पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन है इट वाज़ द अपर कास्ट हु आई रेस्पॉन्सिबल फॉर द हरी जान बींगफिट टुडे हु सैड इट तो ये लाइन किसने कही थी तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपको टिक करना है क्रेक्ट वन को पहला है जवाहर लाल नेहरू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर फिर है एच जी खांडेकर फिर ला डी पार्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसका सही आंसर है जो एच जी खांडेकर हैं वो क्रेक्ट आंसर है उसने यह लाइन कही थी कि इट वाज़ द अपर कास्ट हु आई रेस्पॉन्सिबल फॉर द हरी जान बींग फिट टुडे फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड द सो कॉल्ड अनटचेबल्स प्रेफर्ड टू बी कॉल्ड दलित टर्म दलित मीन्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दलित जो यूज हुआ है इसमें वर्ड इसका मतलब क्या है तो चार ऑप्शन हैं लोअर कास्ट इक्वल टू अपर कास्ट ब्रोकन फ्राम सोसाइटी नॉट लेसर देन अपर सोसाइटी तो इसका सही आंसर है सी पार्ट ब्रोकन फ्राम सोसाइटी अब हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड If a 13 year old child is working in a factory manufacturing carpets, which fundamental right is violated? तो अगर थर्टीन ईयर ओल्ड जो बच्चा है वो काम करेगा एक फैक्ट्री में जहाँ पे कारपेट्स कालीन बनाए जाएँगे काल, कालीन बनाते हैं तो कौन सा फ़ंडामेंटल राइट right जो है वो वायलेट होगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं राइट टू इक्वालिटी राइट टू लिबर्टी राइट अगेंस्ट एक्सपोलाइटेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ तो इसका सही आंसर है सी पार्ट तो राइट टू राइट एजुकेशन एक्सपोलाइटेशन जो है वो वायलेट होता है फंडामेंटल राइट right. फिर है क्वेश्चन नंबर फोर इन सुभाष कुमार वर्स स्टेट ऑफ बिहार नाइनटीन नाइनटी वन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंकलूड्स राइट टू द इन्जॉयमेंट ऑफ़ तो यहाँ पे जो सुभाष कुमार हैं और स्टेट ऑफ़ बिहार के अगेंस्ट एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जो कि राइट टू लाइफ जिसमें कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज़ ए फंडामेंटल राइट जो राइट टू लाइफ है वो एक फंडामेंटल राइट right है जो कि आर्टिकल ट्वेंटी वन के, के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के और वो इंक्लूड क्या करता है एक तो वो करता है वो क्या इंक्लूड करता है इन्जॉयमेंट तो ऑफ क्या तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं पोलूशन फ्री वाटर तो ये एक ही ऑप्शन फिर है पोलूशन फ्री वाटर एंड एयर क्लब्स एंड सिनेमा हॉल्स क्लब्स एंड बार्स तो इसका सही आंसर है बी पार्ट पोलूशन फ्री वाटर एंड एयर अब है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम तो बर्थ रेट और डेथ रेट कब सेम होते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती हैं पापुलेशन सेम रहती है या पापुलेशन डिक्रीज़ होती है या पापुलेशन चेंज होती है या नहीं होती हैं ये तब हो तब रहता है जब पॉपुलेशन जो है सेम रहता है बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर पॉपुलेशन स्टेज सेम अब हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स माल ऑफ श्रीनगर ए मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट हेलमेट बाय दुबई बेसड इमार uh, अमीर ग्रुप वाज अमार ग्रुप वाज अनाउंसड इन तो uh, माल ऑफ श्रीनगर जो है मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो कब हुआ अनाउंस तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फेबरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है द टर्म थारा मुखर्थम मीनज तो ये टर्म जो है थारा मुखर्थम इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे चार ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं द गर्ल इज टू हर हस्बैंड द वाइफ बिलोंग्स टू हर हजबैंड प्लेस द वाइफ हैज़ टू बी बी अ पॉपिट इन हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड द गर्ल इज़ गिवन अवे टू सर्व एज अ स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम तो इसका सही आंसर है डी पार्ट द गर्ल इज गिवन अवे टू सर्व एज अ स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम अब हैं क्वेश्चन नंबर एट लोकसभा लोकसभा सेलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव द एग्जीक्यूटिव क्या करता है जो लोकसभा है वो सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव लेकिन एग्जीक्यूटिव का, का काम क्या होता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन इन्होंने दिए हैं अलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर एलेक्ट द प्रेजिडेंटक्ट द वाइस प्रेजिडेंट इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाई पार्लियामेंट तो एग्जीक्यूटिव तो क्या करता है जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उनको फिर इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है इसका क्या आएगा द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट इज द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट तो अब है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट तो कितने मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से तो चार ऑप्शन है टू टूवेल्व टू थर्टी थ्री टू फोर्टी फाइव तो टूवेल्व इज द करेक्ट आंसर टूवेल्व मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट अब है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर टेन मैच द फॉलोइंग अब हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को जोड़ना है मैच करना है तो म्यूटिनी क्या होता है म्यूटिनी का आएगा बी पार्ट व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसोबे दियर ऑफिसर्स इन द आर्मी तो म्यूटिनी क्या होता है जब सोल्जर्स एक ग्रुप के वो डिसोबे करते हैं अपने ऑफिसर को आर्मी में तो उसको म्यूटिनी कहते हैं कभी आ सकता है डिफाइन म्यूटिनी तो आपको ये लिखना है और सेकंड क्या है टैपिंग रिविलियन तो टैपिंग रिविलियन क्या है इसका आएगा सी पार्ट एंड अपराइजिंग इन द साउथर्न पार्ट ऑफ चाइना फिर थर्ड पार्ट क्या है मजा प्रवास मजा प्रवास का आएगा ए पार्ट द बुक रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉड से तो विष्णु भट्ट गॉड से ने जो बुक लिखी है उसको कहते हैं मजा प्रवास तो फोर्थ क्या है रेगुलेशन तो रेगुलेशन क्या का क्या आएगा तो डी पार्ट आएगा उसका सीधा ए रूल मेड एंड मैंटेनड बाय एन अथॉरिटी एक रूल और रूल जो बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है एक अथॉरिटी उसको हम क्या कहते हैं रेगुलेशन तो का ए का एक फर्स्ट पार्ट का आएगा बी और सेकंड पार्ट का आएगा सी और थर्ड पार्ट का आएगा ए और फोर्थ पार्ट का आएगा डी तो अब हम ये देखेंगे कहाँ पे है ये फर्स्ट पार्ट का आएगा बी तो यहाँ पे दो ऑप्शन में बी हैं फर्स्ट पार्ट का आएगा बी सेकंड पार्ट का आएगा सी तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर इनमें से आपको बी पार्ट चूज करना है अब है सेक्शन बी सेक्शन बी जो है इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन हैं तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकते क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल पेपर हैं ये जे के बोस ने एक पैटर्न दिया है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से जो है फ्रेम किया जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़रूरी नहीं है अगर हम ये डिस्कस भी ना करें तो इस तरह से लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा फ्रेम किए जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्या हमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे या नहीं तो आपको पता ही है कि अब जो है जो अब इन्होंने पैटर्न जो है चेंज किया है तो अब ज़्यादा टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि इन्होंने कितना पढ़ा है अच्छे से कितना पढ़ा है और आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना आना चाहिए तो इसलिए जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आ भी सकते हैं एक या दो लेकिन ज़्यादा जो है आपको जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं ज़रूर पढ़ने हैं अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपके टीचर्स ने आपको मीनिंग वाइज आपको समझाया होगा वो चैप्टर्स तो इसलिए आपको डीपली वो चैप्टर्स पढ़ने हैं अब हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन के आया है ऑन ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंडिया सेलिब्रेटेड सेवेंटी सिक्स सिक्स यर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज ए फ्री नेशन इन योर ओपिनियन टू वट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिलड द आइडियल सेट आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने जो लिंक दिए है ना कॉमेंट सेक्शन में वो वीडियो आप देखो वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे वो मैंने सेलेबस में जो है डिस्कस किए हैं किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा किस तरह से आएगा तो वो आपको जरूरी देखना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है सेलेबस में तो नीचे जो कमेंट सेक्शन में लिंक है वहाँ से आप वो देख सकते हैं तो जो फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जो uh, इंडिया ने सेलिब्रेट किया सेवेंटी सिकस्थ ईर ऑफ़ फ्री नेशन तो आप इन योर ओपिनियन टू वाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिलड तो इन्होंने कितने 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 हद तक जो है फुलफिल किया है कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं वो इन्होंने फुलफ़िल किए है आइडियली तो अब हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है लिस्ट टू फैक्टर्स दैट लेड टू तो द फर्स्ट सिख एंग्लो एंग्लो सिख वार एटीन फोटी सिक्स तो दो फैक्टर्स बताने हैं जो जिसने आ, फर्स्ट एंग्लो सिख वार को जो है आ, जिससे हुआ तो एक तो है टर्बुलेंस ऑफ सिख आर्मी जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई फिर सेकंड क्या है और जब सिख एम्पायर ने लॉस की है बहुत सारी टेरिटरीज आ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो वो जो कुछ फैक्टर्स हैं तो इसी तरह से अगर आप डीपली वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे मीनिंग देख के तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो अपने इंग्लिश में और क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है व्हाट डू यू थिंक ज्योतिराव फुले मीन टू मी हियर एंड यू दियर अगैन अब हैं क्वेश्चन नंबर फोटी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोटीन इफ़ यू आर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट एमपी लिस्ट टू क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपको दो जो हैं क्वेश्चंस लिस्ट करने हैं पूछने हैं आप क्या पूछोगे वहाँ पे तो आप हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग या हेल्थ केयर के रिगार्डिंग या एजुकेशन के रिगार्डिंग या बहुत सारे डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कह सकते बता सकते हो वहाँ पे अगर आप एम पी हो के। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 15 वट डू यू मीन बाई स्कैविंग स्कैविंग तो मैनुअल स्कैंग जो है इसका मतलब क्या है फिर है क्वेश्चन नंबर 16 डिस्क्राइब एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसल्टी जो इन्वायरमेंट है वो एक पब्लिक फैसल्टी है आपको वो डिस्क्राइब करना है वो फिर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ टूलिप गार्डन बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि टूलिप तु, गार्डन जो है वो ओपन हुआ तो उसने किस तरह से टूरिज्म को बूस्ट किया जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर है सेक्शन सी बोथ द बर्थ रेट एंड रेट ऑफ कीनिया आर हाई डिस्क्राइब द शेप ऑफ इट्स पापुलेशन पैरामिड तो डेथ रेट भी और बर्थ रेट भी कीनिया की बहुत हाई हैं तो आप आपको पापुलेशन पैरामिड जो है वो आपको उसकी शेप दिखानी है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या है रिबिलियन फिफ्टी सेवन नॉट ब्रोकन वट वु यू है फेट ऑफ दी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हाउ आर द फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट फॉर फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो मैंने इसीलिए कॉश्चनज़ नहीं सॉल्व किए क्योंकि ये क्वेश्चनस आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते मुझे लगता है नहीं आएंगे क्योंकि आपको इस साल जो है तो जो आपका चैप्टर है उनके बीच में से क्वेश्चंस निकालेंगे कि आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि इन्होंने कितना किस तरह से ये चैप्टर्स पढ़े हैं वरना जो क्वेश्चंस जो जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मुझे नहीं लगता वो आएंगे उतने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम तो पुलिस का रोल क्या रहता है जब वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं इसी तरह से फिर सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लिस्ट फाइव प्रैक्टिसज दैट कैन बूस्ट द आउटपुट ऑफ क्रॉप्स ग्रोव इन यूर ओन एरिया तो आपको कुछ पाँच प्रैक्टिसज के बताने हैं जिससे आपके एरिया में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं आपके एरिया में वो बूस्ट हो सके उनकी आउटपुट अब हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑन एन आउट लाइफ मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एनी टूरिजन तो ये इन्होंने मैप दिया है अब आपको लोकेट करने हैं दो दो मेजर पोजिशन तो पहला हमें पहला पार्ट क्या है कॉटन टेक्सटाइल मैन्यूफेक्चरिंग रीजन सेकंड क्या है आयरन ओवर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन है कि हम किस तरह से ये मैप पहले बनाएंगे फिर हम किस तरह से लोकेट करेंगे तो आपको जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको वहीं से वो क्या है जो मैप है वहीं से बना के देंगे क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मैप देंगे तो उसी पे आपको फिर वो लोकेट करना है जिस तरह से कॉटन टेक्सटाइल है अब आपको इस तरह से लोकेट करना है यहाँ से थोड़ा सा शेड करना है पेंसिल के साथ और उसके बीच में फिर लिखना है जिस तरह से ब्राज़ील है ऑस्ट्रेलिया है आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज इसी तरह से आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा सा शेड करना है और फिर उसमें नाम लिखना है और आपको ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आंसर शीट पे वो वहीं से आपको जो है वो पेज देंगे आपको उसी पे लोकेट करना होगा लेकिन जो मैंने नीचे जो वीडियो बनाया है वो आप जरूरी देखना क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से आएगा थैंक्स